कैनन कैसे हैं आप सब लोग? आई हो पापा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने ऊपर गौशाला से, क्योंकि आज हम तीनों, मैं, सलोनी, कामो, आज हम यहाँ ऊपर ही हैं। तो आज हमारा खाना ना यही बनेगा, बाकी कामो रही ऊपर की साइड वहां पे, और ये रही, ये देखो ये सलोनी। तो अभी हमारा ना खाना बन रहा है, क्योंकि हमने ना अपनी साइकिल, हमने ना अपने कल के ब्लॉग में बताया था आपको कि हम आज के लिए बोला था कि आज हम अपनी साई को छानेंगे, लेकिन आज को पापा को ना टाइम नहीं था, तो इसीलिए ना कल संडे के दिन छानेंगे अपनी साई को। तो साई साई में ना जो घास लगता है हरा घास, तो उसी को लेने के लिए गए थे हम। बाकी कल भी गए थे कामो, और कामो मम्मी नानी पापा भी आ रखे थे, तो सभी जा रखे थे। तो थोड़ा ना कम पड़ गया था, 4-5 पुल्ली, तो उसी को लेने के लिए गए थे। बाकी अभी थोड़ी देर पहले ही हम तीनों आ रहे हैं, और यहाँ पे अब हमारा खाना बन रहा है। बाकी आज ना मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, और सुबह से ना हल्की धूप लगी है। किसी टाइम तो अच्छी धूप लग रही, लेकिन किसी टाइम ना पूरे बादल लग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा वैसे ही मौसम, मतलब लग ही रही है धूप थोड़ी बहुत। तो अभी हमारा खाना बन रहा है यहाँ पे, और ये देखो मैंने इसको बोला था कि हेडफोन लेके ना, और बोल रही थी कि क्यों लाना, लेकिन आते यहाँ पे कान पे लगा लक्ष्य दिया। बाकी यहाँ पे गैलेक्सी हमारा ना, गैलेक्सी खाना बन रहा है, तो इसमें अभी मोटो हमने ना जेड बी। चावल रखे हैं, और कामो मैडम ये रही। तो कामो ने देखो यहाँ इतनी ज्यादा झाव लगा दी है ना, क्योंकि जो हमने ना छोटे छोटे लकड़ियां इकट्ठा करे हुए थे हमारे छप्पर पे, तो उसी को हमने ना अभी खाली किया, तो यहाँ पे उसको जलाने के लिए काफी अच्छा हो गया है। मतलब वो लकड़ियां ना काफी अच्छी है, छोटी छोटी यहाँ के लिए। तो वो सारी हमने ना जहाँ पे कामो बैठी है उसके उधर पीछे साइड रखी है, तो वो ना काफी अच्छी हो जाएगी हमको यहाँ यहाँ के चूल्हे के लिए। बाकी कामो अभी चाय रख रही है, क्योंकि हमने चाय भी ला रखी थी बनाने को, तो थोड़ी देर में हमारा चावल भी पक जाएगा। तो यहाँ पे चाय हमारी चाय भी बन चुकी है, और गुड़ वाली चाय यार, चाय मेरी, ये मस्त कामों मस्त की, है, और ये रही ऐसा होता वो। है। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे ना चौसा बन रहा है, बाकी भात तो बन चुका है, और हमारा प्रेशर कुकर देखो, वाह, कितना सुंदर कोई बात नहीं, साई पे तो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे बर्तन, पुराने बर्तन। तो यहाँ पे हमारा चौसो बन रहा है, चौसो भात, और इसने इसमें पता है इसने क्या डाल रखा है, जिसकी पकौड़ियाँ बनती है ना वो, और धनिया देखो, तड़का लगाने के लिए इसने धनिया डाल रखा, लेकिन इतना ज्यादा धनिया डाल रखा है ना जैसे कि एक ही दिन खाएगी ऐसा नहीं है अब ज्यादा। और यहाँ देखो काम थोड़ी देर में हमारा साग भी बन जाएगा, तब तक 3:30 बज जाएगा गाइस, इतने में आज हम मिर्ची भी खाएंगे, मर्चा मर्चा छक मर्चा। यहाँ देखो सीधा कढ़ाई पे सूर्यदेव को भी ये भोजन चाहिए, और अभी सीधा हमारे ठस किचन में ना करके धूप आ रही है, ये देखो सीधे बाहर कढ़ाई पे पहुंच कहीं रही है नहीं है, सिर्फ कढ़ाई पे बाहर साथ में नहीं है, सीधे वो सूरज सूर्यदेव की को, किरण सीधे हमारे हमारे चूल्हे पे पड़ रही है, तो सूर्यदेव जी को भूख लग गई है बस। ना खतरनाक, क्या बोलते हैं, हम खतरनाक हैं गौशाला, खतरनाक गौशाला मेरे भाई। गौशाला गौशाला। अब पता है सूरज की किरण हमारे साये पे कहाँ से भी आती है, एक यहाँ ऊपर से आती है, जहाँ पे ये देखो बिचोला सब छोटा सा दिख रहा होगा, अभी धुआं है ना तो इस वजह से उतना नहीं दिख रहा, तो वहां से ना सूरज की किरण सीधे हमारे चूल्हे पे पड़ती है, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा एक बांसा खिसका हुआ होगा, तो वहां से हाथ में तो वो पास किरण मकान। यहाँ आ जाती है। तो कामो बहुत दिनों से बोल रही थी कि उसको थोड़ा बंद कर लो, लेकिन कोई नहीं तमीज, गया ये कोई तमीज ही हो, खुटा दिया ना यार, यार इंसान में क्या ची भाई में, ये क्या है, ये औरत जरा भी ये दया नहीं हो, नहीं क्या दया नाम की बाली का चीज। बा बाहर तो मैं पहले आपको ना बाहर का मौसम बताती हूँ, हमारे का दिमाग में मौसम था, कोई पता चीज पहले आ घुट गई। जल्दी भी। तो आज धूप का कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी धूप तो यहाँ पे है, और आसमान में देखो सारी जगह ऐसे चमन करके बादल लगे हैं, और नीचे की साइड इतना ज्यादा कोहरा है ना, देखो पूरी धुंध हो रखी है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा गुन्नू। ए गुन्नू, तेरे को ठंडा नहीं लग रहा? ए गुन्नू, तेरे को ठंडा नहीं लग रहा? तो
हमारा गुन्नू यहीं पे था, क्योंकि हम जब वो लेने के लिए घास लेने के लिए गए थे ना, तो हमने इसको यहीं पे बांध के रखा था, है ना गुन्नू? बाकी कल हमने ना अपनी ये वाली साई छानी है, तो जो ये घास डाल रखा है ना हरा हरा, उसी को लेने के लिए गए थे। घास तो नहीं होता, लेकिन उसको ना साई में डालते हैं, तो नीचे वाली साइड को चाहिए था, बाकी ऊपर की साइड तो हो ही गया है। बाकी कल आएंगे पापा तो कल डाल देंगे उसमें, और कल हम साई भी छान लेंगे, है ना गुन्नू? ए गुन्नू चल अब खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है रे गुन्नू। अभी हमारा खाना भी बन चुका है और ये दोनों तो शुरू हो गए हैं खाना खाने के लिए, और गुन्नू ना भारी भी है, तो पहले हम खा लेते हैं। वैसे तो गुन्नू को भी रख लिया है, तो अभी पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम अभी ना काफी ज्यादा हो गया है। गुन्नू को हम डोंगे में देंगे तो काम यहाँ पे ना मेरे को रुकी हुई है, ये देखो बहुत चालाक है, रुकी नहीं है, ठीक है? ये खाना भी बैठ गई है, और एक है मेरे पीछे, क्योंकि मैं ना अभी वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने बोला थोड़ा मेरे को भी रुक जाओ, लेकिन नहीं, बोला कि तू आराम से खाना, तेरे लिए थाली भी नहीं है, बाकी मेरी थाली ये रही। तो मस्त से चौसा भात खाते हैं, और फिर मिलता है आपको खाना खाने के बाद। तो खाने में ना अचार है जो दी ने बनाया था, मिर्ची और नींबू का अचार, बाकी चौसा भात। तो खाते हैं मस्त से खाना, और फिर मिलता है आपको खाना खाने के बाद। और हमारे गिलास हमारे गिलास काम में रखे हैं ऐसे ऊपर वाला काम निकाल सबसे बड़ा गिलास काम का है, उसके बाद मेरा, और उसके बाद सलोनी का। तो कोई नहीं, फटाफट से पहले खाना खाते हैं, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी यहाँ पे ये बर्तन धो रहे हैं, और देखो मैंने इनको यहीं पे पानी ला रखा, तो यहीं पे मंजा रहे हैं। अब जैसे कि गाइस देखो कैसे कटे आ रही है ऐसे, ये देखो छारे से इतना साफ हो जाता है बर्तन। विम्बी तो छारे का बना है ना हमारा, ये पहला जो की लाइन वो छारे से। एक कढ़ाई दो रहा, एक प्राइसर कुकर ये इसका बड़े बहुत बड़ा मुंह हो रहा है, ये इसका काम कम और मुंह ज्यादा चल रहा है इसका। हाँ मैंने इनके लिए चाय भी बना रखी, बनने धोने वालों के लिए। वो क्या है ना, गांव में जब शादी में बर्तन धोते तो उनके लिए चाय बनाते हैं, तो ये भी बर्तन धो रहे हैं। और ये तो कॉमेडी चैनल है, बोलते हैं यहाँ फोटो खींच। सलोनी ने यहाँ पे अब ये कुकर धो रही है, और एक ने यहाँ पे धो दिया है, ये मैंने बर्तन धो दिया है, और 4 बज चुके हैं, और अब हो रहा है हमारा खाना। अभी टाइम 4 बज चुके हैं, और हमारा खाना भी हो गया है, और अभी हमने ना बैलों को अंदर बांध दिया है, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है अभी इस टाइम, तो हमने उनको ना अंदर बांध दिया है। तो अभी चाय बना रखी है कामन ने, तो थोड़ा चाय पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर को घास घूस दे के, क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है। और हमारा गुन्नू देखो यहाँ पे मस्त से खाना खा के यहाँ पे बैठ गया है, और नीचे की साइड देखो पूरा कोहरा लगा हुआ है, और धूप देखो यहाँ चले गई है धार में। तो ये दोनों देखो यहाँ पे खा खो के चाय भी पी दी है इन दोनों ने, तो यहाँ पे मस्त से सो रखे हैं। खाना खा के चाय पी के मेरे को भी नहीं रुके, मतलब दूसरी चक्कर की चाय, तो यहाँ पे ये सो गए हैं। गाइस हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। गाइस मेरा एक हम घर जाने बैठ गए हैं, बाकी ये दोनों देखो थोड़ा लकड़ियां ला रहे हैं, थोड़ा घास, बाकी मैं भी ना थोड़ा तिमलू लेके जा रही हूँ सोल्टी में, तो अभी ठंडा में ना काफी ज्यादा लग रहा है। अरे सिंग गाइस
चली बिल्लिन क्या पता। तो अभी घर को चलते हैं, बाकी गुन्नू देखो यहाँ। हेलो गुन्नू, भागो 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 भागो, चल गुन्नू। तो अभी ना काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, सुबह से ही ऐसे ही मौसम है, तो आज कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा है। कामों को कुछ ज्यादा ही जड्डू लग रहा है। तो अभी चलते हैं घर को और मिलते हैं आपको सीधे घर पे पहुंच के। अभी रात के 9:15 बज चुके हैं और हमारा खाना भी हो गया है, और बाकी सभी तो ना किचन में, मैं तो इधर आ गई हूँ और सीनू भी ना किचन ही में, क्योंकि आजकल ना उसको वहीं ले जाते हैं हम अंदर वाले किचन में। तो वो तो सो गई थी 8 बजे तक, वो तो सो गई थी। बाकी अभी हमारा खाना भी हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में ना सलोनी और काम भी इधर आने ही वाले होंगे। तो दोस्तों, जैसे सलोनी का नाम लिया, सलोनी भी यहाँ पे हाजिर हो चुकी है। और आज का दिन ऐसा गया ना हमारा, एकदम हंसते हंसते प्राण चले गए। रोटी बनाते टाइम तो बेटा हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे, हमने इंग्लिश में भी बात करी और संस्कृत में भी बात करी, पूरी इंग्लिश सीख चुके हैं और आपको भी सीखना है। अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है तो कल हम वीडियो बनाएंगे, संपर्क कर रहे हैं हमसे। और संस्कृत की टीचर तो यही है, मुझे सिखाती है इंग्लिश की भी, ठीक है। और वो क्या बोलता है, कल अगर हम वीडियो बनाएंगे ना तो आप जरूर देखना, ठीक है। सो अभी काम तो रोटी का ही है शायद, तो वो थोड़ी देर में आएगी। बाकी ये पहुंच गई है यहाँ, इसने तो रोटी बुका दी है। नॉट इज चबाइंग, चबाइंग चबाइंग, दांतों से चबाइंग। अच्छा, तो आज तो बहुत हंसी मजाक हो गया है। और कल है संडे, कल हमको जाना है अपनी साई को छानने, तो कल हमारी हंसी सारी बाहर आएगी, क्योंकि कल का दिन ऐसा रहेगा हमारे लिए डरावना जैसा, ठीक है। हम डर जाएंगे, मतलब पापा मम्मी कल हम सब जीत सभी जाएंगे ऊपर साई, क्योंकि कल हमारी साई छाननी जाएगी। तो लेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें भैया जी, प्लीज भैया। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय भैया जी, बाय बाय।